नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज 8 दिसंबर 2021 की सभी प्रमुख खबरें आपको बताएंगे। शिक्षा मित्रों को लेकर के जो अपडेट है वो आपको बताएंगे आज की वीडियो के माध्यम से। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ, आपको बताते हैं आज की पूरी अपडेट। उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लखनऊ में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और किसी भी स्थान पर 100 से ज़्यादा लोग किसी भी कार्यक्रम में आयोजन में शामिल नहीं हो सकते। सबसे पहली खबर तो ये है। जो अगली खबर शिक्षा मित्रों को लेकर कह रही है, उसमें आज महत्वपूर्ण बैठक है शासन स्तर पर। राज कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से जो मांग किया गया था, तो सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक भी आज बुलाई गई है, जिसके बारे में आज 3:30 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। 3:30 बजे बुलाया गया है, उसके बाद में जो भी अपडेट आती है वो हम सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो है सभी संगठनों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, और अभी तक जो बातें निकल कर आई शिक्षा मित्रों को के बारे में, उसमें बस यही आ रहा है कि सरकार की तरफ से केवल मानदेय वृद्धि पर ही बात की जा रही है। बार बार केवल सरकार मानदेय वृद्धि पर ही जोर दे रही है, अन्य किसी भी चीज़ पर समायोजन या ऐसी कोई बात या प्री प्राइमरी जैसी कोई बात अभी तक सामने शिक्षा मित्रों के मामले में नहीं आ पाई। शासन की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कहेगी कि हम प्री प्राइमरी में समायोजन करेंगे या समायोजित करेंगे या कितना मानदेय देंगे, लेकिन हाँ मानदेय वृद्धि पर जरूर बात अभी तक हो पाई है। तो अभी तक शासन की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, ना मानदेय को लेकर के, न किसी अन्य सुविधाओं को लेकर के। दोस्तों ये थी आज की शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।